पानी लाना खेत में सहले से थक गले। हाँ मम्मी आ लगे ये हम ठीक होए नहीं भेलो बाबू तब ओकरा ने कोची लगाई है हमारा समझ में ना आ रहा है मम्मी कह दी कोची लगाई है हेलो हेलो उषा दीदी मीरा जी आप घर पर हैं हम घर ही हो यावा हाँ दीदी हम थोड़ी देर में आपके घर पर आ रहे हैं नमस्ते दीदी परेशान का है दीदी गेहूं लगेली खेतिया ने से बेस होले है ये ने अब कोचियो क्रम लगेली खेतवा खाली गेहूं के खेत में इस बार कोची लगाइए कि कुछ आमदनी हो जाए गेहूं काट गेवे के लो दीदी इस समय मूंग के सीजन है तो मूंग काहे ना लगा दे देखा ना दीदी पर साल मूंग लगेली जे सब मूंग पियर हो गला कुछ हो ना करला पुंजो ना निकलला परसल दीदी मुंगिया लगाइल हूँ हाल तो खराब हो गया लेकिन तो इन साल ना लगाए हूँ देखो तो गुलाबी देवी के कितना अच्छा होले हैं हाँ दीदी उनकर मुंगिया तो अच्छा होला उनकर मुंगिया इसलिए अच्छा होले हैं दीदी वो बीज के उपचार करके लगाइल बीज के उपचार कैसे करल जाए दीदी तोहरा पास सामान ना हो तो दीदी हम अपन घर से लेके आवा ही और तोहरा बीज उपचार करेला हम बता दे ही अच्छा जा दीदी ले लावा बता दी ठीक है दीदी लेके आ रहे जा दीदी आवन मेरा दीदी कैसे आके बैठल ही हो हाँ हाँ दीदी बीज उपचार करेल सब सामान हम लेके चले ली बतावा देखो दीदी बीज उपचार करे में इतना सामग्री लगा है एक कट्ठा के लिए दीदी 150 ग्राम मूंग है ठीक 20 ग्राम गुड़ है दीदी खाद है दीदी 35 ग्राम राइजोबियम से क्या फायदा हुआ है राइजोबियम खाद के उपयोग से पौधों की गांठों की संख्या बढ़ती है जो कि वातावरण से नाइट्रोजन लेती है इससे पौधा स्वस्थ रहता है और ज्यादा उत्पादन मिलता है दीदी ऐसे खेत तोहर मजबूत रहते उपज भी बढ़ जीतो ठीक हो दीदी 150 ग्राम पानी है एक बोरी प्लास्टिक का चले दीदी गुड़ के चाशनी बना ली दीदी और ठंडो में देरी लगता है गुड़ के चाशनी काल बनेगा दीदी गुड़ का इसलिए चाचर बने लिए दीदी कि जो पाउडर वा है ना राइजोबियम हाँ। कि बीजवा में अच्छा से चिपका के जाए गुड़ के चाशनी से बीज को बना बनाया हुआ भोजन मिलता है चले दीदी पहले गुड़ के चाशनी बना लीजिए चल नहीं नहीं देखिए दीदी अभी चटा हो गया चाशनी तैयार हो गया ठीक देखो दीदी एक नीचे हम लेके चले थे 20 मिनट के बाद ठंडा हो जाते तो बीच उपचार कर चलो एक 15 मिनट के लिए ठंडा होगा छोड़ देंगे ठीक देखो दीदी ये चाशनी अब ठंडा हो गया दीदी और एक में राज जो भी हम पाउड खाद मिले मिलावे हाँ दीदी एकरा दम अच्छा से मिला दी है देखा दीदी 150 ग्राम मूंग देखा दीदी घोल के एरा में डाल के अच्छा से मिला दी देखे था ना दीदी इसी तरह से मिलाएल है अच्छा से कि मुंगिया में अच्छा से दम सट जाए अच्छा। देखा दीदी अब मिल गई है अच्छा से दीदी और एक पतला से लमाथी करके चिपका के और छाँव में रख दी सूखे लग दीदी दीदी जैसे मूंग लगावा दीदी तो बढ़िया वैरायटी का मूंग लगावे के हुआ अच्छा ये मूंग सम्राइट वैरायटी के है दीदी एक कट्ठा में दीदी छह पसेरी तकला हुआ है जैसे
30 kg। बीज उपचार करे से का फायदा हुआ है दीदी, और कुछ ध्यान भी रखे पड़ा है दीदी? बीज उपचार करे से दीदी अंकुरण जल्दी हुआ है दीदी, और पौधा स्वस्थ रहा, उपज ज्यादा हुआ। ध्यान ये रखे है दीदी कि धूप में सुखा लेना है, छाह में रखे है। बीज उपचार करके दीदी 2 घंटा के बाद रुपाई कर देवे है। ठीक है, धन्यवाद दीदी, अंदर ले जाकर रख देते हैं।